मॉस्को के करीब बालाशिस पे दिखा ड्रोन और रूसी सेना ने ड्रोन को मार गिराया है। तो देखिए ये एक्टिविटी भी लगातार चल ही रही है। युद्ध में हमने देखा ही है कि जो एरियल अटैक किए जा रहे हैं उसमें ड्रोन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ड्रोन के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पर हमला लगातार किया जा रहा है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारत वर्ष पर देख रहे हैं, ड्रोन से अटैक किया गया। ड्रोन की जब बात आती है सिन्हा सर, तो अभी हाल में जो मॉस्को पे अटैक हुआ है जिसमें 20 से ज्यादा ड्रोन रूस के आसमान में देखे गए, हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ज्यादातर ड्रोन को हमने हवा में ही मार गिराया। रूस को कहीं ना कहीं आप पिछड़ते हुए नहीं देख रहे हैं क्या? सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस फेलियर नहीं नजर आ रहा है कि पुतिन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, भले यूक्रेन के पास पश्चिमी देशों का और अमेरिका का सपोर्ट हासिल। देखिए किसी ने नहीं सोचा था कि वॉर इतना लंबा चलेगा, और किसी की भी जो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोज होता है उसमें इतनी इन्वेंट्री नहीं होती है कि एक साल के लिए आप स्टॉक करो। दूसरी बात, तीसरी बात है कि ड्रोन रशिया ड्रोन के परिप्रेक्ष्य में पीछे तो पड़ रहा है, इसीलिए तो वो ईरान से ड्रोन ले रहा है, टर्की से भी बोरो किया है जी। उसके मिसाइल सिस्टम वो बोरो कर रहा है, तो उसका जो स्टॉक आउट हो रहा है तो उस वो स्टॉक आउट रिस्पॉन्सिबल है कि जिस तरह से ऑफेंस में सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि रूस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है कि उसको खबर ही नहीं थी कि ऐसा कोई अटैक हो सकता है मॉस्को में। नहीं, इस तरह से देखो ये बैटर ऑफ मिनट्स का खेल होता है जब इस तरह का अटैक होता है। अब खुफिया कहाँ से, जब तक आप पेनिट्रेट करके उनके वॉर रूम में नहीं घुस जाइए आपको कैसे पता चलेगा कि क्या